मुझे सुबह जल्दी उठाती थी, फिर योगा करवाती थी, खाना बनाना आप ही ने मुझे सिखाया। कैसे और कितनी जल्दी खाना बनाया जा सकता है ये सब भी तो आप ही ने मुझे बताया। और वॉशिंग मशीन होने के बावजूद हाथ से कपड़े कैसे धोते हैं ये भी तो आप ही ने मुझे सिखाया। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और कपड़े भी काफी दिनों तक चलते हैं। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सब सिखा दूंगी मही को, तू फिकर मत कर। मुझे लगता है कि वो खत का उपाय फिर से करना ही पड़ेगा। दादी माँ के लिए फिर से खत आया, जल्दी जल्दी। अरे दादी माँ, आपके गांव से फिर से खत आया। हाँ, शायद रमेश भाई और गांव वालों को दादी माँ की बहुत याद आ रही होगी। आपके बिना सुना सुना लग रहा होगा दादी माँ, इसलिए बुलावा आया होगा आपके लिए। हाँ, क्या बात है मही, देखो मही को देखो, बिना लेटर पढ़े उसे पता है कि लेटर के अंदर क्या है। हाँ, वो क्या है कि कहीं तुमने तो लेटर नहीं लिखा है। ना ना सासुमा, जो बोलता पापला के पापा, मैंने इसे अंदाजा लगाया सागर जी कि शायद सबको दादी माँ के बिना सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि दादी माँ इतने दिनों से हमारे घर पर है ना, इसीलिए। अब अंदाजे से लेटर के अंदर क्या लिखा है वो भी पढ़ ले। हाँ हाँ बिंदास। प्रिय दादी, आप आराम से अनसुया बहन के घर में रहना, वो आपकी बहुत सेवा करती है। आपके सभी रिश्तेदारों में सिर्फ वही है जो आपकी इतनी इज्जत करती है। हाँ, पर अनसुया बहन अपनी बहू मही से बहुत परेशान है, क्योंकि वो कोई काम ढंग से नहीं करती, उसे सब काम सिखा कर ही आना आपका अपना रमेश। कमाल है, रमेश भाई को भी मही के बारे में पता है। ससुमा, अब जरा मेरे कमरे में आएंगी? हाँ हाँ। सागर जी। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। सागर जी, चल दादी माँ आओ जरा। ससुमा आजा। मैंने कोई बदला नहीं लिया है, तुमने लेटर वाला दाव खेला तो मैंने अपनी चाल चली। तो फिर अब आप दोनों सुलह कर लीजिए ना मॉम। हाँ मही, एक ही शर्त पे। क्या, क्या? तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। दादी मेरे किस्से सुनाए उससे पहले तुम लोगों को उन्हें रोकना पड़ेगा, और दादी यहां से जल्दी जाए ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हमें उनसे नफरत नहीं है, लेकिन गांव वालों को भी उनकी जरूरत हो सकती है, इसलिए उनका गांव जाना जरूरी है। बोलो, अगर ये सारी बातें मंजूर है तो मैं तुमसे सुलह करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, और माफी कौन मांगेगा? सॉरी ससुमा। ठीक है, जैसे क्लास में दादी माँ कन्हैया बेटा कहीं जा रहा है क्या?
हाँ दांव जाला हूँ, वो बच्चों थी बहुत याद आ ली है। बाय दादी। अरे तुम लोग भी कहीं जा रहे हो क्या? दादी एक्चुअली ना हम गोवा जा रहे हैं, इसके भाई का वहाँ ट्रांसफर हुआ है, उससे मिलने। हाय बाय बाय भाई, मेरी हांगकांग की टूर फाइनल हो गई भाई। अरे वाह, और वो भी मही के साथ, क्योंकि कंपनी ने अपनी वाइफ को साथ में ले जाने की परमिशन दे दी है। अरे वाह, वेरा खड़ी घूमने जाएगी और वो भी हांगकांग, बोलो छे मजा छे भैया ने तो। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, क्या इम्पोर्टेंट मीटिंग वो भी दिल्ली में? अरे नहीं नहीं, मैं अभी फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के आती हूँ। हाँ हाँ ओके ओके। जुओ ने दादी शू योगानु योग छे, सबको बाहर जाना है, आपको यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। आज तुम सब लोग यहाँ से जा रहे हो तो मैं यहाँ अकेले रुक के क्या करूंगी? और अनुज मेरा तो प्रवचन कल ही खत्म हो गया था। कन्हैया जा तो बेटा, मेरा सामान लेके आ जा। कन्हैया दादी है? मैं आपको स्टेशन छोड़ दूं? क्यों, तू मुझे लेने आया था? नहीं ना तो फिर छोड़ने भी नहीं आएगा। अरे तू और मैं शांति से हांगकांग जाओ ना। लाया बेटा चल, मैं चल रही हूँ। आओ जो दादी, आओ जो बाय बाय, आओ जो। थैंक गॉड मॉम। ससुमा शुक्रिया पापा, आपने मुझे डेंजर दादी से बचा लिया। लेकिन मही तुम भी कुछ कम नहीं हो, ओके? वैसे आप दोनों एक दूसरे पर भारी हैं। ना ना सागर जी, होतुओं से आप वजन कर लो, सासू माई भारी है। मही दे दू, डालू क्या, डालू क्या? ये मैं वापिस आ गई। फिकर मत करो, फिकर मत करो, मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आई हूँ, ये तो मेरी काठी भूल गई थी ना, उसके लिए आई हूँ। वैसे तुम लोगों ने बहाना नहीं भी बनाया होता ना तो भी मैं आज तो यहाँ से जाने वाली थी, क्योंकि ये देखो मैंने मेरी टिकट कितने दिनों से बुक करवा के रखी थी। हाँ आज के लिए तो तुम लोगों का प्यार है जो मुझे इतने दिनों तक यहाँ खींच के रखा था। और अनुड़ी बेटा, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है भी कौन है? तुम लोगों को किसी को बुरा लगा होगा या किसी का दिल दुबा होगा ना, तो ये डेंजर दादी को माफ कर देना हो। कन्हैया बेटा मेरी काठी ले लेना। एक मिनट करिए लाल, दादी आप कहीं नहीं जाओगी, मेरे और भी किस्से सुनाने बाकी है डेंजर दादी। ये अखलाफ हमारे देश हो,